यूपीएससी क्लियर किया, रैंक 570 आईपीएस, बिकमिंग द यंगेस्ट आईपीएस ऑफ गुजरात एट सच अ अर्ली एज, एंड देन पीपल कम टू यू एंड बोलते हैं आप बहुत नसीबदार है, यू आर वेरी लकी. आई टेल देम इन रिवर्स, लक फेवर्स द ब्रेव. कोई अपना लक साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता है. अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है, सी मैं गुजराती हूं एंड वी नो द बिजनेस, एंड बिजनेस का एक ही फंडा है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट. सो अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं, इंटरव्यू से पहले एक महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उससे एक वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज टू कम विथ यू. उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा. लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप जाके आए एंड ऑल एंड ऑल. तो द सिंपल था कि मैं एग्जाम के लिए निकला, मेंस मेरा था सुबह, GS3 का पेपर था. 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था. लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन थे. मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा ओके माय राइट हैंड इज सेफ, एंड आई डिसाइडेड आई विल गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम. मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं वहां से उठ के रोने लगू यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया और हॉस्पिटल्स जाओ, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सर्वाइव कर सकता हूं. हाँ कर सकता हूं. मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया. ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं. वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है. इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ. सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचता है. जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है. क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है. सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है. अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है. और यही मेरा एटीट्यूड रहा है. लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा. लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, आई सेड नथिंग. क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने में नहीं होता. तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बोला है स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट. क्योंकि अगर हम दिल्ली में थे, मेरे दोस्त के साथ में निकला बाहर घूमने, तो बोलता है यार ऐसी लाइफ चाहिए, कोई मगजमारी नहीं, आराम से बैठते पूरे दिन एसी वाले कमरे में, बहुत सारे पैसे है और कोई टेंशन नहीं, ऐसी लाइफ चाहिए मुझे. बोला मेरे पास ऑप्शन है. बोलता क्या? बोला देख सामने ATM का रूम दिख रहा है, एसी वाला कमरा है, बहुत सारे पैसे, कोई मगजमारी नहीं, जॉब ले ले. क्यों IAS IPS में दिमाग खराब कर रहा है? अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट लाइफ. जब भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब नंद के राजा धनानंद की डॉटर दूरदराज से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते हैं कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, और तब चंद्रगुप्त बोलता है आचार्य कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग इतना बलिदान ना देना होता तो. और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं
तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर आईएएस बनने के लिए आईपीएस बनने के लिए सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। सो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस गेम ऑफ यूपीएससी और एमपीएससी, मेक श्योर दैट यू हैव टू सेक्रीफाइस एनीथिंग विच विल टेक यू टू योर गोल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें टेंशन होती है यार, दोस्त की एंगेजमेंट है, उसकी बर्थडे पार्टी है, उसकी शादी है, अटेंड नहीं करूंगा तो बोलेगा मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा एंड ऑल। लेकिन बिलीव मी, जब आप आईएएस बन जाओगे, वो सामने से याद दिलाएगा, भाई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा तूने, समझ रहे हो? तो जो कुछ भी इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो जब आप उस पोस्ट पे पहुंचोगे, सब कुछ वर्थ है, सब कुछ। मैंने जो मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी का, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 23 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, 20 फरवरी को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में एंड बहुत हाई फीवर था, तो आईवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 1 मार्च को ठीक होके मैंने सोचा चलो दिल्ली निकलते हैं। 2 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा। 3 मार्च को वापस से टॉन्सिलाइटिस का अटैक होने की वजह से फ्लाइट लेके वापस से पालनपुर अहमदाबाद, अगेन हॉस्पिटलाइजेशन। 15 मार्च को आई गॉट रिलीव फ्रॉम द हॉस्पिटल। 16 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा और 23 मार्च को आई गेव माई यूपीएससी इंटरव्यू। सो 1 महीने का हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में था, अगेन आई थॉट दिस इज द मोमेंट टू प्रूव योर सेल्फ। आई वेंट टू द इंटरव्यू और पूरे इंडिया में 2nd highest मार्क्स इन इंटरव्यू। दिस इज नॉट टू से कि मैंने कितना अचीवमेंट लिया, दिस इज जस्ट टू से यूपीएससी इज ऑल अबाउट दिस। मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी यूपीएससी के लिए, इंटरव्यू के लिए, बट अगेन आई स्कोर्ड गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, बिकॉज यूपीएससी सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं करता। मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड, जैसे सर ने बोला इट्स अ गेम ऑफ विजडम। आपको पहले ऑफिसर बनना पड़ेगा यहां से। यूपीएससी का काम तो सिर्फ थप्पा लगाना है कि हाँ ये ऑफिसर बन गया। जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को आप मिलोगे, यू विल रियलाइज दिस थिंग कि ऑफिसर वाली क्वालिटीज इसमें पहले से है। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तभी से समझ लीजिए कि आपकी आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई, बिकॉज जो क्वालिटीज आपको चाहिए एज एन ऑफिसर, एज ए आईएएस, एज एन आईपीएस, क्या क्वालिटीज चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस, कि जब आप उस सीट पे बैठते हैं आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू हैंडल द इश्यू। ये कॉन्फिडेंस लेके आपको उस सीट पे बैठना है, यही कॉन्फिडेंस चाहिए व्हेन यू स्टार्ट द प्रिपरेशन। डिसीजन मेकिंग, अगर हर एक टॉपिक पे आप हर एक कोई को पूछने जाते हैं भाई इसमें कौन सी बुक पढ़ू, इसमें क्या पढ़ू, इसमें क्या करूं, देन यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस एग्जाम। लोग बोलते हैं कि 1 साल में प्रिपरेशन, जैसे मैंने जून 2016 में मैं दिल्ली गया और जून 2017 में मैं अपियर हुआ एंड आई क्लियर यूपीएससी एंड जीपीएससी। पीपल से कि सर 1 साल की मेहनत में आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। यस, टेबल और चेयर पे बैठ के करने वाली मेहनत 1 साल की थी, लेकिन उसके पीछे की मेंटल प्रिपरेशन कितनी पुरानी थी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तब सोचा था कि आईएएस बनना है, और तब से मेरी जो जर्नी है, तब से मेरा जो टेम्परामेंट है, तब से मेरा जो एटीट्यूड है वो इसी डिरेक्शन में था। जब कॉलेज में था तब मैंने एनजीओ स्टार्ट किया, 3 NGO से मैं जुड़ा था। जब लोग सोशल मीडिया व्हाट्सएप और फेसबुक पे बिजी थे, मैं वहां स्लम में जाके बच्चों को पढ़ा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि फ्यूचर में यही काम करना है, क्यों ना अभी से उसकी ट्रेनिंग ले लो। सो आई हैव इन्वेस्टेड माई ईच एंड एवरी मोमेंट फॉर दिस गोल, बिकॉज जो पर्सनैलिटी टेस्ट लास्ट में यूपीएससी लेता है, इंटरव्यू नहीं है वो, वी कंसिडर इट एज इंट्रोगेशन। इंटरव्यू को इंट्रोगेशन लेके चलते हैं, वहां पे पूछताछ होगी? नहीं। अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में 10 में से 9 क्वेश्चन के आंसर भी आप सॉरी सर और सॉरी मैम, आई डोंट नो कह के देते हैं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इंपैक्ट पड़ता है वो 9 क्वेश्चन न आने का प्रेशर आप कैसे हैंडल करते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं या आप वही टेम्परामेंट के साथ इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं। मार्क्स उस चीज के हैं, मार्क्स है आपकी सोच के। एक ऑफिसर के तौर पे जब आपको आईएएस या आईपीएस की सीट पे बिठाया जाएगा, हाउ विल यू ट्रीट द सिटीजन्स ऑफ द